ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल द 12th पासर। ये है एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट। तो गाइस मेरा नया रैप सुनने के लिए मेरे अदर चैनल द 12th पासर को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं अब हम स्टार्ट। गाइस इस वीडियो के पहले पार्ट में हम पांचवें क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब हम छठे क्वेश्चन को करने वाले हैं। छठा क्वेश्चन है प्रूव दैट कि एक डिटरमिनेंट दिया है 111 और ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इसको बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल प्रूव करना है। गाइज तो ये क्वेश्चन जो है वो CBSE 2012 11 और 9 के सी सेट में आ चुका है। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, करते हैं गाइज। तो क्या है, सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए डिटरमिनेंट के। अब अप्लाई कर देंगे कि C1 जो कॉलम 1 है ये कॉलम 1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 अप्लाई कर देंगे। गाइज ये अप्लाई करने पर हमें मिलेगा डिटरमिनेंट 001 ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सी क्यूब। अब गाइज यहाँ पर देखिए कि ये क्यूब का है, क्यूब का जो कि है यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, वहीं यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद गाइज ये देखिए इस कॉलम में और इस कॉलम में यहाँ से हम ए माइनस बी और यहाँ से हम बी माइनस सी को कॉमन निकालेंगे। जीरो से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस कॉलम में से ए माइनस बी और इस कॉलम में से बी माइनस सी को कॉमन निकाल लेंगे। अब जो ये हमारे पास बच गया है यहाँ, इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के अलोन। एक्सपेंड करने के बाद गाइज हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी पहले से अवेलेबल था। एक्सपेंडिंग के बाद बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास आ गया है। यहाँ से बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब बी सी माइनस ए बी को अलग और सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को अलग से ले लेंगे। यहाँ से बी को वन और ए सी, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को सी माइनस ए और सी प्लस ए में तोड़ लेंगे। इसके बाद गाइज इस पूरे में से सी माइनस ए को कॉमन निकाल लेंगे और नॉर्मली ए प्लस बी प्लस सी, जो कि अब ये पूरा हमारा राइट एंड लिमिट के इक्वल हो चुका है, ये आंसर हो जाएगा गाइज। और ये है गाइज इसका सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट दिया है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और इसी तरह क्यूब वे दिया है। इसका क्या दिया है, इक्वल दिया है एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सिंपल क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट को इसके ट्रायंगल के इक्वल लेट कर लेंगे। अब एक्स को C1 से, वाई को C2 से और इसी तरह से जेड को C3 से कॉमन लेंगे। यहाँ से एक एक्स, यहाँ से एक वाई और यहाँ से एक जेड कॉमन निकाल देंगे। इसके बाद गाइज ये डिटरमिनेंट हमारे पास बच जाएगा और एक्स वाई जेड जो कि हम निकाल चुके हैं, अब नॉर्मली अप्लाई कर देंगे। C2 में से C3 को माइनस कर देंगे और C3 से C1 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी y माइनस जेड और ये एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। इसको जो है इसको हम y माइनस जेड प्लस वाई प्लस इंटू वाई प्लस जेड में ओपन कर लेंगे और जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को हम जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, यहाँ से y माइनस जेड को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से जेड माइनस एक्स को कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर कॉमन आ गई गाइज और ये डिटरमिनेंट हमारे पास बच जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के अलोन। एक्सपेंड करने के बाद ये एज इट इज रख देंगे और एक्सपेंड के बाद हमारे पास जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस वाई जो कि इक्वल हो गया पूरा आर राइट एंड लिमिट के। तो ये गाइज हो गया इसका आंसर। इसी के साथ देखते हैं गाइज हम इसका एट्थ क्वेश्चन क्या है। एक्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स एक्स की पावर फोर, वाई वाई स्क्वेयर वाई की पावर फोर, जेड जेड स्क्वेयर जेड की पावर फोर। ये भी गाइज वैसे ही एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले तो इसमें से एक्स वाई और जेड को कॉमन निकाल लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन करने से पहले इसको इस ट्राइंगल के एक बार लेट करते हैं गाइज। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक्स वाई जेड को कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब अप्लाई कर देंगे रो वन में से रो टू को माइनस कर देंगे और रो टू से रो थ्री को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जीरो जीरो एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वाई माइनस जेड
और वैसे ही क्यूब में। अब क्यूब में जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर। नीचे वाला रो, ये जो रो है एज इट इज रहेगा, और इस पर वाई माइनस जेड वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब गाइज यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस वाई इस रो से कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड इस रो से कॉमन आ जाएगा गाइज, तो बचेगा हमारे पास इसमें ये। अब इसको जो है हम सी वन के अलोन एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ से ये दोनों जीरो हो जाएगा, और जब इससे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, और वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा गाइज। अब जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को अलग रख लेंगे, ये सब एज इट इज चलने देंगे, और वाई जेड माइनस एक्स वाई को अलग लिख लेंगे। यहाँ से हम वाई कॉमन निकाल लेंगे और इसको तोड़ देंगे जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स में। यहाँ से जेड माइनस एक्स को कॉमन निकाला और एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकल गया, और ये राइट हैंड लिमिट का इक्वल आ गया। तो गाइज ये हो गया हमारा आंसर। अब नाइन्थ का देखते हैं गाइज, नाइन्थ का क्या दिया है इन्होंने, वन 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 बी प्लस सी, सी प्लस ए बी प्लस ए, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। किसके इक्वल करना है गाइज, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। थोड़ा सा सोचिए गाइज, आंसर आपको बिल्कुल यहीं पर दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब आर टू पर हम अप्लाई करेंगे, आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री को में से आर वन को माइनस कर देंगे। ये देखिए जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमें बी माइनस ए माइनस बी मिल जाएगा ऐसे यहाँ पर, तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया है। यहाँ हमें ए माइनस बी और यहाँ ए माइनस सी मिल गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर यहाँ हमें मिल गया। अब इसको फॉर्मूले से तोड़ देंगे, इसको तोड़ने के बाद यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, ए माइनस बी ए माइनस सी कॉमन निकाल दिया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे सी वन के अलोन, ए माइनस बी ए माइनस सी एज इट इज रहेगा, ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा और सी, और यहाँ पर हमारे पास सी माइनस बी बच जाएगा। अब गाइज यहाँ पर देखिए कि जो राइट हैंड लिमिट था उसमें ए माइनस सी नहीं बल्कि सी माइनस ए और बी माइनस सी दिया था, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह गाइज इसका टेंथ पार्ट देखते हैं। टेंथ पार्ट क्या है, ये जो एक हमारे पास डिटरमिनेंट दिया है ये जीरो के इक्वल प्रूव करना है। डिटरमिनेंट के दिया है वन 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 ए बी सी, और इसी तरह ए स्क्वेयर माइनस बी सी, बी स्क्वेयर माइनस सी ए, और सी स्क्वेयर माइनस ए भी दिया है। अब इस डिटरमिनेंट को हम ट्राइंगल के को लेट करेंगे, अप्लाई करेंगे आर टू पर, अप्लाई करेंगे आर टू माइनस, ये गाइस स्क्रीन थोड़ी सी डल हो गई है एक बार, सॉरी गाइस स्क्रीन डल हो गई थी, तो आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन। अब इसको भी ट्राइंगल के इक्वल जो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वन ए ए स्क्वेयर, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया है, बट यहाँ पर हमने बी माइनस ए और सी माइनस ए, और यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस, यहाँ पर इसको माइनस किया है, माइनस करने पर वैल्यूज को एज इट इज रख देंगे। और अब इनको बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को अलग और बी सी माइनस सी ए को अलग अलग रख देंगे। यहाँ से हमारे पास इसको तोड़ लेंगे, और यहाँ से जैसे कि यहाँ से C और यहाँ से हमारे पास जो है B वो है कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे B माइनस सी को और C माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे, अंदर ये वैल्यूज बच जाएंगे गाइस। अब इस रो में से B माइनस लेंगे कॉमन करने के बाद गाइस ये हमारे पास आ गई ट्रम। अब इसकी इसके अलोन एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, वैसे दोनों बेसिकली दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं तो एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आर टू है वो आर थ्री दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल हो चुके हैं, चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। सी वन के अलोन एक्सपेंड करने के बाद ये जीरो आ जाएगा और जो है हमारा पूरा आंसर जीरो हो जाएगा इक्वल टू आर राइट हैंड लिमिट के। तो गाइस ये वीडियो होती है हमारे यहाँ पर ख़त्म। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आपके लिए मैंने वॉइस में भी थोड़ा चेंज किया है, इसके लिए लाइक तो बनता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ गाइज।